हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होने वाले वियर प्लेट और वियर रिंग के बारे में बात करेंगे। मोस्टली ये वीडियो जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेंटेनेंस के बारे में है, इम्पेलर के साइड साइड में यूज होने वाले वियर रिंग के बारे में अच्छे से बात करेंगे, कहाँ पे लगता है और उसका क्या काम है ये जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि मोटर से कनेक्टेड है और यहाँ पे बीच पे कपलिंग लगा हुआ है। मोटर का शाफ्ट और आपका पंप का शाफ्ट जो है वो कपलिंग से कनेक्टेड है, बीसी कपलिंग से। ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एक जगह से सक्शन लेता है, एक जगह से डिस्चार्ज लेता है। अब यहाँ पर जो वियर प्लेट जो है वो कहाँ पे लगता है? एक सक्शन साइड पे लगता है, यानी कि उस साइड पे जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, जो पाइप सक्शन पाइप जहाँ पे आया है उस साइड में लगता है, और एक लगता है इंपेलर के इस साइड में, यानी कि जहां से इसका इनपुट शाफ्ट गया है यहां पर। एक प्लेट यहां लगेगा, एक प्लेट यहां लगेगा डिस्चार्ज साइड में, और वियर रिंग लगता है वो लगता है यहां पर सक्शन के पास में लगता है वियर रिंग। तो इसका काम क्या होता है ये जान लेंगे हम इस वीडियो में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर के और उसके केसिंग के बीच का जो गैप होता है क्लियरेंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो गैप है जितना कम होगा, यानी कि इम्पेलर और केसिंग के बीच में जो क्लियरेंस है वो जितना कम होगा, उस पंप की इफिशियंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हम यहाँ पर इम्पेलर के साइड में, दोनों साइड में केसिंग के साथ में वियर प्लेट को फिक्स कर देते हैं। जो वियर प्लेट है वो केसिंग के दोनों साइड में फिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज से, ये रियर वाला है और ये फ्रंट साइड का प्लेट है और बीच में इम्पेलर है। इस प्लेट को अलग से लगाया जाता है और ये केसिंग के साथ फिक्स हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर इफिशियंसी जो है पंप की बढ़ जाती है, क्योंकि क्लियरेंस दोनों साइड में जो है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, मेंटेनेंस के समय सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेंटेनेंस जब होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में होता ये है कि यहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो वियर प्लेट है वो धीरे 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 वियर आउट होने लग जाते हैं, और जो इम्पेलर का और ये वियर प्लेट के बीच से जो क्लियरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इसको फिर से कम करने के लिए मेंटेनेंस के दौरान क्या किया जाता है, इस वियर प्लेट को जो इमेज में आप देख रहे हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, नया वियर प्लेट आसानी से लगा दिया जाता है, तो मेंटेनेंस बहुत ही ईजी हो जाता है। अब वियर रिंग के बारे में बात करते हैं। इस इमेज में जो आपको येलो कलर की एक पट्टी दिख रही है, ये है वियर रिंग। ये इसका भी काम सेम वही है, बस इसको लगाया जाता है सक्शन के पास, है ना, जहां से सक्शन लेता है पंप वहां पर लगाया जाता है। ये भी आपके वियर प्लेट का ही इमेज है, और कुछ वियर प्लेट में जो वियर रिंग है वो साथ में कनेक्टेड रहते हैं, साथ में ही फिक्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।